कुवे में शियाल और हिरन की कहानी। एक बार एक शियाल जंगल में रात के समय घूमते हुए एक कुवे में गिर गई थी। कुआ बहुत गहरी थी। लाख कोशिश के बावजूद भी शियाल बाहर नहीं आ सकी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ करके बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुबह होने तक चिल्लाते हुए कुवे में ही फंस गई थी शियाल। अगले दिन कुएं के पास से गुजर रही हिरन कुछ आवाज आने से कुएं में जाकर देखी। हिरन को देखते ही शियाल ने सोचा, अब मैं बाहर आ सकूंगी, इसे फंसाता हूँ। हिरन कुएं में फंसे हुए शियाल को देखकर बोला, इस कुएं में क्या कर रही हो तुम? इस कुएं में पानी कितना अच्छा है पता है तुझे? इस पानी को पीने के लिए कुएं के अंदर आया हूँ मैं। ये पानी बहुत मीठा है, जैसे कि चीनी मिलाया हुआ है। सच है क्या? होशियारी से शियाल ने कहा, चाहे तो आप ही उतर कर देखो, यह पानी आप कभी पिया नहीं होगा। बेवकूफ हिरन बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई और पानी पिया। कुछ देर हिरन भी शियाल जैसा ही कुवे में फंस गई। अब बाहर कैसे जाए? शियाल से पूछा हिरन। पहले आपके पीठ पर चढ़कर बाहर जाने के बाद आपको भी बाहर खींचूंगी। अच्छा समझकर हिरन मान लिया। ठीक है। शियाल एकदम से हिरन के पीठ पर चढ़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हिरन बाहर आने के लिए शियाल का हाथ मांगा। बाप रे, इतना वजन वाली आपको बाहर नहीं खींच सकती मैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहकर शियाल वहाँ से चला गए। अब हिरन को शियाल का धोखा समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुएं में हिरन अकेला रह गए। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, हर कदम से पहले एक पल सोच समझ कर। लालची कुत्ता। एक दिन एक जंगल में एक कुत्ता हुआ करता था। अपने भोजन के लिए वो सारा जंगल ढूंढता रहता था। ढूंढ ढूंढ कर वो थक गया। पता नहीं मेरी किस्मत में आज भोजन करना लिखा भी है या नहीं। मेरे इतना ढूंढने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और कितने दिन भूखा रहूं? कुत्ता उदास हो गया। इतने में उसकी नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ी। वो जल्द ही उसके पास आ पहुंचा। आहा! कितने दिनों बाद खाना मिला है, वो भी मेरा मन पसंद। मैं अगर इसे यहाँ खाऊंगा तो दूसरा कोई इसे मुझसे छीन लेगा, इसलिए मैं इसे घर जाकर खाऊंगा, बिना डरे फिर आराम करूंगा। वो उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़कर घर की ओर चले गया। रास्ते में उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। वो उसकी ओर पलटकर देखने लगा। अरे मैं तो मर ही गया, अगर इसने मुझे इस मांस के साथ देख लिया ना तो ये मांस के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। वो तुरंत झाड़ के पीछे छुप गया। शेर ने उसे नहीं देखा और वो आगे चला गया। जैसे ही वो शेर वहाँ से चला गया, वो बाहर आया और वहाँ से भाग निकला। उसके घर जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी। वो रोज उस नदी पे एक चकला हुआ करता था जिसपे चल के जाता था। इस दिन भी वो चकले पर चल के जा रहा था। तब उसकी नजर एक पानी में पड़े कुत्ते पे गई। उसने देखा कि उसमें एक कुत्ता की परछाई थी। वो उसी की परछाई थी। उसने सोचा कि वो दूसरा कुत्ता नदी में है जिसके पास भी एक मांस का टुकड़ा है। अरे इसके पास भी एक बड़ा मांस का टुकड़ा है, मैं इसे डरा दूंगा तो ये मांस को छोड़कर भाग जाएगा। दोनों मांस के टुकड़े मैं अपने घर ले जाकर आराम से खाऊंगा। 2 दिन तक भोजन की चिंता ही नहीं, मैं भोग कर इसे डरा सकता हूँ। वो डराने की मंशा से पानी में अपनी परछाई को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वो मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया और बह गया। अरे वो दूसरे मांस का टुकड़े के लालच में मैंने अपने मांस का टुकड़ा भी खो दिया। सच में
आज तो भूखा ही रहना होगा। वो बहुत पछताने लगा और जब वो पानी में देखने लगा तब उसे सच मालूम हुआ कि वो दूसरा कुत्ता नहीं था बल्कि उसी की परछाई थी। वो सोचने लगा कि अगर वो लालच ना करता तो उसके पास उसका मांस का टुकड़ा होता और वो घर जाकर उसे खा सकता था। फिर से वो अपने भोजन की तलाश में निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। सुस्त गधा। एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहा करता था। वो गांव के हर दुकान पर नमक बेचता था। उसे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता था तो उसने सोचा कि यहाँ उसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो वो पास के शहर जाकर बड़े बाजार में अपना नमक बेचेगा। ऐसा करने से उसका लाभ भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। बहुत सारी नमक की बोरियां उठाने के लिए उसे एक गधे की आवश्यकता थी। तुरंत वो शहर गया और वहां से एक गधा खरीद लाया। हर दिन वो अपने गधे पर नमक की बोरियां लाद कर शहर जाता और उसे बेच कर खूब पैसे कमाता था। पर शहर को जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी जिस पर एक लकड़ी का छोटा सा पुल था। हर बार वो उसी रास्ते से जाता था। एक दिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में गधे का पैर फिसल गया और नमक की बोरी नदी में गिर गई। नमक की बोरी सारी नदी में घुल गई। बोरी में नमक ना होने के कारण व्यापारी वापस लौट गया। गधा बहुत खुश हुआ। व्यापारी को नमक का नुकसान हुआ था इसीलिए वो उदास था, लेकिन गधे की गलती नहीं थी इसीलिए वो चुप हो गया। इस घटना से गधे को एक उपाय सूझा। रोज मुझसे ये भारी बोरियां उठवाता था, अब मैं रोज ऐसे ही करूंगा, नमक बह जाएगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। गधा रोज वही करता था। रोज गधा गिरता और बोरी पानी में गिरा देता था और नमक सारा घुल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। व्यापारी कुछ दिन के बाद उस पर संदेह करने लगा। उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन वो नमक की बोरी की जगह रुई की बोरी ले जा रहा था। जैसे गधा रोज नमक की बोरी गिरा देता वैसे ही इस बोरी को भी गिरा लिया। रुई की बोरी भीग कर और भारी हो गई। व्यापारी ने उस बोरी को दोबारा गधे पर लाद दिया। उस भीगी रुई की बोरी का वजन वो उठा नहीं पा रहा था। गधा उसकी गलती समझ गया और कभी दोबारा ऐसे नहीं करेगा वो ठान लिया। तब से गधे ने ईमानदारी से बोरियां उठाई थी। व्यापारी को खूब लाभ हुआ। वो गधे से भी बहुत प्यार करने लगा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती। आदमी की मूर्खता। एक जंगल में एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। नदी के उस पार एक बूढ़ा शेर रहा करता था और दूसरी तरफ एक गांव को जाने के लिए रास्ता था। एक बार उस जंगल में गांव के रास्ते पर एक राह चलने वाला आदमी जा रहा था। उसे शेर ने देखा, दोस्त, और कहने लगा, दोस्त तुमसे ही बोल रहा हूँ। आवाज सुनके वो आदमी यहाँ वहाँ देखने लगा। इस बड़े जंगल में मुझे इतने प्यार से दोस्त कहने वाला पता नहीं कौन है। वो आदमी फिर से यहाँ वहाँ देखने लगा। वो आवाज को गौर से सुनने की कोशिश कर रहा था। उसने वहाँ एक शेर को बैठे देखा। शेर को देख वो डर गया। उसे डरता देख शेर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगा। देखो मेरे हाथ में सोने का कड़ा है, मैं इसे तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को देना चाहता था, अब तुम्हें दूंगा। उसने कड़े को देखा, कड़ा चमक रहा था। सोने का है, कोई शक नहीं, पर इस सोने के कड़े के लिए मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मैं इस कड़े के लालच में अगर इस शेर के पास चला जाऊं तो ये मुझे खा लेगा। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अपनी जान बचाने के लिए सोच रहा था पर फिर भी उसका मन सोने की ओर आकर्षित हुआ था। एक तरफ जान थी तो दूसरी तरफ सोना था। किसे चुने उसे समझ नहीं आ रहा था।
वो जब इतनी गहरी सोच में डूबा था, शेर ने उसका फायदा उठाया। वो कड़ा दिखा दिखा कर उसे लालच दे रहा था। मुझे देखकर डरना कोई गलत बात नहीं, मैंने पहले भी बहुत पाप किए हैं। अब मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए इसे किसी अच्छे आदमी को देना चाहता हूँ। पता नहीं कितने जानवरों को, इंसानों को मैंने अपने भूख मिटाने के लिए मार कर खा लिया है, पर ये कड़ा मैं तुमको देकर अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। शेर की बातें सुनने के बाद भी आगे बढ़ने से बहुत डर रहा था वो आदमी। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ना ही अब ठीक से दिखाई देता है, ना मैं ठीक से चल सकता हूँ। भागना तो जैसे भूल ही गया हूँ। मेरे नाखून भी कमजोर हो गए हैं और दांत भी बहुत कमजोर हो गए हैं। अब मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है, नरम और मीठे फल खाकर ही जी रहा हूँ। मेरी हालत तो तुम देख ही रहे हो। मुझे देख कर क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ? अब डरो मत, उस नदी के पानी में तीर कर तुम इस पार आ जाओ और ये सोने का कड़ा ले लो। शेर ने बहुत खूब नाटक किया, आदमी उसकी बातों में आ गया। बेचारा सच में बहुत बूढ़ा है, उसने जो कुछ भी कहा सब सच है, और फिर इतने प्यार से मुझे दोस्त कहकर बुला रहा है, उसके पाप धोना चाह रहा है। अब उसने मुझे दोस्त माना है तो एक दोस्त होने के कारण मेरा फर्ज है कि मैं उसकी मदद करूं। शेर की बातों में आकर और कड़े की लालच में आकर वो पानी में कूद गया। तुरंत नदी पार करना चाहता था, पर नदी के पानी में मिट्टी का दलदल था। वो उस दलदल में फंस गया, बहुत घबरा गया। बचाओ बचाओ, जोर जोर से वो आदमी चिल्लाने लगा था। शेर ने उसे देखा, कड़े को संभाल कर रख दिया और धीरे धीरे वो उस आदमी के पास आने लगा। दलदल में फंसे उस आदमी पर पंजा मारकर उसे खा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अकलमंदी से काम लें तो सफलता हमारी ही होगी।